आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करते हैं चमोली के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे, नगर पालिका अध्यक्ष के शपथ समारोह में हुए शामिल। बीजेपी ने 25 सालों के बाद हासिल की है चमोली सीट। 25 साल बाद बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। बीजेपी से पुष्पा पासवान बनी है नगर पालिका अध्यक्ष। गोपेश्वर में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह, आयोजित किया गया है। 25 साल के बाद बीजेपी ने यहाँ पर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। बीजेपी से पुष्पा पासवान नगर पालिका की अध्यक्ष बनी हैं। गोपेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन गोपेश्वर में किया गया है। चमोली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर पहुंचे क्योंकि वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आज है और उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं क्योंकि 25 साल के बाद यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष का पद बीजेपी ने जीता है, बीजेपी ने हासिल किया है और पुष्पा पासवान ने जीत हासिल की है। गोपेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और सीएम धामी खुद इस समय मंच पर मौजूद हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, चमोली पहुंचे हुए हैं क्योंकि यहां पर अध्यक्ष का शपथ ग्रहण आज समारोह कार्यक्रम रखा गया है। सीएम ने आज बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। शपथ ग्रहण समारोह यहां पर रखा गया है। चमोली का दौरा काफी अहम, काफी खास हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया, उनका फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 25 सालों के बाद चमोली में जीत हासिल की है, चमोली में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है बीजेपी ने और इस जीत की खुशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं, चमोली पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जनता से रूबरू हुए हैं और उनका स्वागत, जोरदार स्वागत किया है। फूल मालाएं पहनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यहां पर है। बताया जा रहा है कि 25 साल के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत हासिल बीजेपी ने की है, इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें पहुंचे हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता नेता यहां पर मौजूद है जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भीड़ लगी हुई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह, पुष्पा पासवान यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बनी। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह चमोली में आयोजित किया गया है, सीएम खुद उसमें पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पे हैं और देखा जाए तो नगर पालिका गोपेश्वर के जो उपचुनाव हुआ था 12 जून को, भाजपा की जो कैंडिडेट थी पुष्पा पासवान, उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी और ऐसे में देखा जाए तो 25 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आया गोपेश्वर में नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर और ऐसे में भाजपा के खेमे में एक बड़ी जीत हासिल हुई उपचुनाव में। 12 जून को ये उपचुनाव का दिन था और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है भाजपा की कैंडिडेट को चुना और आज जिस तरीके से जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है, तमाम जो गणमान्य लोग हैं इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं और ऐसे में मौजूदा समय में उनका जो संबोधन है वहाँ चल रहा है। खासतौर पे हमने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री कहते हुए नज़र आ रहे थे कि बाहर भाजपा की जो नीतियाँ हैं उससे लोग कहीं ना कहीं अब प्रभावित हो रहे हैं, जो काम पूरे राज्य भर में किया जा रहा है यही वजह है कि तमाम जो चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को जीत है वो हासिल हो रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नगर निकायों के चुनाव हुए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निकायों की अगर हम देखें, नगर पालिकाओं को देखें तो ज़्यादातर सीटों पे भाजपा का ही कब्जा है और मौजूदा समय में जिस तरीके से गोपेश्वर नगर पालिका का उपचुनाव हुआ था 12 जून को और वहाँ भी एक कहीं ना कहीं पलट फिर देखने को मिली और कांग्रेस के खेमे से ये सीट घिसकती हुई सीधे भाजपा के खेमे में गिरती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो बूथ स्तर तक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो उनकी नीतियां हैं कहीं ना कहीं इसका यही प्रभाव है, कार्यकर्ता एकजुट होकर जो काम कर रहे हैं इसी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा को हर जगह जीत हासिल हो रही है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से
25 साल बाद गोपेश्वर की जनता ने वहाँ अध्यक्ष पद पे जिस तरीके से भाजपा पे अपनी कहीं ना कहीं सहमति जताई है, और ऐसे में वहाँ की जनता के लिए जो पुष्पा पासवान हैं नए अध्यक्ष के रूप में, उनके सामने चुनौतियाँ हैं अपने आप को साबित करने की, ऐसे कामकाज नगरपालिका से संबंधित, और ऐसे में तमाम जो काम होते हैं उसके अंदर जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर खड़े उतरना भी एक चुनौती है उनके सामने। जी, बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर ज्ञानेंद्र किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री ने भी जीत हासिल की है, और अब 25 साल के बाद कहा जा रहा है कि 25 साल के बाद चमोली में यहाँ बीजेपी का कब्जा हुआ है, बीजेपी ने जीत हासिल की, इसका थोड़ा बहुत श्रेय मुख्यमंत्री को जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जैसा रिस्पॉन्स उत्तराखंड की जनता का देखने को मिल रहा है। देखिए, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं इसका असर जो है छोटे चुनाव पे भी पड़ता है। खासतौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से नगरपालिका के उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल रहा है, 25 साल बाद वहाँ ये भाजपा को जीत हासिल हुई है, और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के जो कामकाज हैं राज्य में, और ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ की जनता इसको भली भांति समझ रही है। यही वजह है कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं 25 सालों बाद वहाँ के रिकॉर्ड में जो बदलाव है वो देखने को मिले हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं एक बड़ी खुशी है भाजपा के लिए, और भाजपा की जो नीति है बूथ स्तर तक मजबूती की, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने की और सभी सबको एक खेमे में रखने की, कहीं ना कहीं वहाँ की जनता इस बात को भली भांति समझा है, और कहीं ना कहीं विश्वास जो भाजपा पे है वो जताया है। और जो एक चुनौती है अब वहाँ के जो जनता है, वहाँ की जनता का जो विश्वास है अध्यक्ष के लिए, और अध्यक्ष के लिए जो कामकाज है वहाँ के, उसे किस तरह से धरातल पे उसे सही साबित करने हैं, चाहे वहाँ की सफाई व्यवस्था का हो, वहाँ के अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं शहरों की उसे दुरुस्त करने की हो, तमाम नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाले ऐसे काम जिसको कहीं ना कहीं वहाँ की जनता अभी तक नहीं, उनकी जनता वहाँ का लाभ नहीं उठा पा रही है, वहाँ अभी तक जो काम नहीं हुए हैं उसे पूरा करना वहाँ की नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए एक चुनौती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीत हासिल बीजेपी ने की है, उसका श्रेय मुख्यमंत्री को भी जाता है, क्योंकि बीजेपी की योजनाएं भी ऐसी है जो कि राज्य सरकार की योजनाएं ऐसी है जो कि उस जीत का श्रेय उसको जाता है। एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। युवाओं ने योजना के विरोध में प्रदर्शन किया, अग्निपथ योजना के विरोध में मार्च निकाला, केंद्र सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। विरोध को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है, पुलिस अलर्ट है। योजना पर सीएम ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया है, सीएम की पहल पर आयोजित हुआ संवाद कार्यक्रम, और राज्य सरकार अग्निवीरों को कई योजनाओं से लाभ पहुंचाएगी, ये राज्य सरकार का कहना है। राज्य पुलिस बलों में भर्ती मिलेगी, प्राथमिकता और हॉर्टिकल्चर से भी जोड़ने पर रूपरेखा बनेगी, ये सीएम का कहना है। उत्तराखंड पहला राज्य जहां पर योजना पर पूर्व सैनिकों से संवाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर अग्निपथ योजना के संबंध में पूर्व सैनिकों के साथ में विचार विमर्श का संवाद का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। पूर्व सैनिकों से बातचीत की है, संवाद किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ये संवाद कार्यक्रम सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन देश हित को समर्पित है, उन्होंने अभी तक जो भी फैसले लिए देश हित में लिए, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। लंबे समय तक लंबित वन रैंक वन पेंशन के संबंध में उनके द्वारा ही निर्णय लिया गया है। सियाचिन में तैनात सैनिकों के उच्च स्तरीय उपकरण आदि की उन्होंने व्यवस्था कराई है। बात नहीं करना चाहूंगा, फौजी बनना है, फौजी की तरह बात करूंगा, ठीक है। अभी इन्होंने बोला है कि अग्निपथ में ना 40,000-46,000 की वैकेंसी आएगी, वो भी तीनों को मिला के, आर्मी नेवी और एयरफोर्स को मिला के, ठीक है। और पहले आती थी सिर्फ आर्मी में 60,000-70,000 ऐसे आती थी, ठीक है। कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया, चांसेस भी कम हो गए, अटेम्प्ट जो मिलते भी थे हमें 3-4 वो भी नहीं रहे। मतलब ये क्या है युवा, कौन कौन से तुम रोजगार की बात कर रहे हो? पहले बोलते थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ से दोगे भाई? सरकार से ये अपील है कि हमारी जो 17 साल की नौकरी थी हमें वही नौकरी दो, और कोई अपील नहीं है। जैसा पेपर हो रहा था, जिन हमारे भाइयों का पेपर बचा हुआ था जो पेंडिंग है वो पेपर कराओ। माननीय प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं, और उन्होंने जब से देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं तब से लेकर आज तक देश हित में जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो भूतो न भविष्यति, चाहे सेना के बारे में लिए हों,
सेना के लोगों के मनोबल बढ़ाने की बात हो, सेना को वन रैंक वन पेंशन देने की बात हो, या सेना में अच्छे उपकरण अच्छे अच्छे जो उनके खाद्य पदार्थ हैं, उनके कपड़े हैं, बूट हैं, वो जो सारी योजनाएं रुकी हुई थी वो योजनाएं सारी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद शुरू हुई हैं और उनको स्वीकृति मिली है। आज अग्निवीर योजना लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से देश हित में योजना को लाया गया है। जो 75% लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही समायोजित किए जाने की बात हो चुकी है। कुछ लोग आज नौजवानों को युवाओं को भड़का कर उनको गुमराह करके उनको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसी योजना को लेकर उत्तराखंड के देहरादून में भी आप देख सकते हैं कि वो युवा जो लंबे समय से फौज में भर्ती होने के लिए, कहें तो आर्मी में भर्ती होने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने आप को शारीरिक रूप से इस तरह से बना रहे थे कि वो आर्मी में जा सके, वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस योजना को वापस लेना चाहिए। कई सारी वजह बताई उन्होंने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 4 साल की ये योजना है उससे सीधे तौर पर युवाओं को नुकसान हो रहा, उन युवाओं को जो कि 16 से 17 साल आर्मी में रहने के लिए, आर्मी में काम करने के लिए, आर्मी में अपनी सेवा देने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने सिर्फ 4 साल की इस योजना को बनाया उससे सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है और उसका नुकसान हमें हो रहा है, उन युवाओं को हो रहा है जो कि अपने आप को तैयार कर रहे थे जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ हजार सैनिकों को ले लेने से और बाकी जो युवा लगातार तैयारी करते हैं वो कहाँ जाएंगे, कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से ये योजना सरकार ने निकाली है, पहले सरकार को इस योजना को सही से युवाओं तक जरूर पहुंचाना चाहिए। जब युवाओं तक ये योजना पहुंच जाएगी तो अपने आप युवा सड़कों को छोड़कर फिर से उस ग्राउंड में पहुंच जाएंगे जहां पर वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तराखंड की अगर बात करें, देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर बहुत शांति से अब प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर जरूर युवा हैं लेकिन शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, देहरादून। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, लगातार युवाओं का विरोध अग्निपथ योजना को लेकर है और उसी के संबंध में अब सीएम ने पूर्व सैनिकों से भी संवाद किया है। बिल्कुल, देखा जाए तो देश भर में जिस तरीके से अग्निपथ का विरोध हो रहा है, उत्तराखंड में भी इसका असर खास तौर पे देखने को मिल रहा है। हमने आज देखा जिस तरीके से राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया, सेना की तैयारी करने वाले युवाओं की तरफ से सचिवालय कूच किया गया। दूसरी तरफ सभी जिलों में इसका कहीं ना कहीं असर हल्का फुल्का देखने को मिला है। हल्द्वानी में हमने पहले ही भी देखा कितना बड़ा विरोध उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहा, और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं सेना की तैयारी करते हैं और सेना में अपने भर्ती के लिए जाते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अग्निपथ की नई योजना है 4 साल की भर्ती की, और ऐसे में इसका भारी भरकम जो विरोध है देश के तमाम राज्यों में देखने को मिल रही है, उत्तराखंड के युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को सरकार समझने लगी है, राज्य सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि राज्य के युवाओं को कोई बहलाए मत, उनको गलत दिशा पर ना ले जाए। और यही वजह है कि पूर्व सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग ली है और ख़ासतौर पर इस योजना से संबंधित कहीं ना कहीं तमाम जो विषय हैं उसको चर्चा में रखा गया है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे, हमने सुना मुख्यमंत्री से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे थे कि युवाओं को लोग कुछ। तो सीएम ने भी संवाद किया है, जिस तरीके से सीएम ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया, क्योंकि सीएम का कहना है कि हमारे संवाददाता ने भी जैसा कि बताया कि लगातार युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो योजना है युवाओं के रोजगार के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, और उसी संबंध में पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया गया। हालांकि सेनाओं ने भी आकर कह दिया है कि ये रोजगार के लिए है, लेकिन फिर भी जो विरोध है वो देश भर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य पुलिस बलों की प्राथमिकता मिलेगी और उसके अलावा और भी कई ऐसी नौकरियां हैं जिनकी वरीयता इसमें कही गई है, जहां पर योजना पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया गया है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, अपनी बात पूरी करिए, और एक सवाल मेरा ये भी होगा कि समझाने की कोशिश बहुत की जा रही है युवाओं को, सरकार उनको समझा रही है, मंत्री उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है क्योंकि युवाओं का विरोध लगातार जारी है, उत्तराखंड हो या फिर देश के अन्य राज्य हों।
देखिए इसको समझना होगा, जिस तरीके से केंद्र की सरकार की तरफ से योजना लेके आई गई, एकाएक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस योजना की जानकारी दी गई और इसकी उम्र सीमा भी बता दी गई, एकाएक पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोध हुआ, सबसे पहले हमने देखा बिहार में किस तरीके से युवा जो है वो सड़कों पे आए और यहाँ तक की कई ट्रेनें जो है जला दी गई। खासतौर पर कहीं ना कहीं इस बात को अब सभी राज्यों की सरकार समझने लगी हैं और कहीं ना कहीं अब उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि युवाओं को सही मैसेज दिया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए 4 साल के बाद इन युवाओं में तकरीबन 25% युवाओं को कहीं ना कहीं सेना में रखा जाएगा, 75% युवाओं को, जिन युवाओं को निकाला जाएगा उन युवाओं को तमाम ऐसे बलों में शामिल किया जाएगा, अर्धसैनिक बल होते हैं तमाम ऐसे राज्य सरकार की तरफ से ऐसे बल रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन्हें शामिल किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने समय रहते समझाया नहीं और एकाएक कहीं ना कहीं योजना की लॉन्चिंग कर दी, इस बात को युवाओं को समझाने की आवश्यकता थी, यही वजह है कहीं ना कहीं युवा इस बात को समझ नहीं पाए। और ऐसे में देखा जाए तो 10 लाख भर्तियां अगर हो रही हैं 4 सालों के लिए और जिस तरीके से इस योजना को कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों से भी प्रेरणा लेके अपने देश में लागू किया जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं जो फीडबैक है दूसरे देशों में वो काफी बेहतर रहा है, जो केंद्र की सरकार है इस योजना को लेकर पहले इससे कहने की जो रूपरेखा तैयार की गई थी युवाओं को समझाने की और सही तरीके से उनके सामने इस योजना को पेश करने की आवश्यकता थी और यही वजह है कि सही रूप से इस योजना को पेश नहीं किया गया और एकाएक युवाओं में सरकार समझा नहीं पा रही है इस योजना को। ज्ञानेंद्र बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार इस योजना को समझा नहीं पा रही है, युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, समझाने की कोशिश बहुत की जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, समझा नहीं पा रही है अभी तक और इसीलिए युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, सीधे आपको चमोली लेकर चलते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। अपना सहयोग देते रहिए और हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि तीनों इंजन मिलकर इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें, एक मील का पत्थर साबित हो, ये गोपेश्वर नगर पालिका हमारी एक आदर्श नगर पालिका बने, इसके लिए जो भी संसाधन होंगे जो भी आवश्यकताएं होंगे हम इसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आज के अवसर पर पुनः मैं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन आप सुन रहे थे, क्योंकि इस समय चमोली में पहुंचे हुए हैं और चमोली में जिस तरीके से वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 25 साल के बाद नगर पालिका अध्यक्ष का पद बीजेपी ने जीता है और उसी के उपलक्ष्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जीत बेहद खास हो जाती है, उसका श्रेय मुख्यमंत्री को भी जाता है। और वहीं देहरादून में रन फॉर योग का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव आयुष के साथ में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। घंटाघर से एमकेपी डिग्री कॉलेज के परिसर तक रन फॉर योग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित किया, साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद के स्वास्थ्य के लिए रोजाना 1 घंटे का वक्त निकालना जरूरी है और यह संकल्प लेने का मौका है, ऐसे में सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो रहा है, ऐसे में लोग फिट रहे, स्वस्थ रहे, इस दिशा में भी लोगों को आगे आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जागरूकता के लिए ही रन फॉर योग का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। जीबी साहब मुझसे कह रहे थे कि एनसीसी के बच्चे आगे जा रहे हैं तो अपना बचपन भी याद आ रहा था कि हम लोग भी जब कभी प्रभात फेरी होती थी, कभी कोई कार्यक्रम होता था, 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होता था, तो हम लोग बड़े उत्साहित रहते थे पहले से कि आज हम प्रभात फेरी में जाएंगे, आप आज हम दौड़ लगाएंगे, आज हम सबके साथ जो है एक पूरे जुलूस के रूप में किसी स्थान पर पहुँचेंगे, वो हमारे लिए पहले एक उत्सव जैसा होता था। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे भी लगा कि आज मैं किसी उत्सव में शामिल हो रहा हूँ, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज धर्म के क्षेत्र में हो तो आज आप देखिए कि आज हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर केदार बाबा का जो हमारा प्रांगण है वो बिल्कुल 2013 में हमें जो आपदा आई थी उस आपदा में पूरी तरह से क्षति